हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, कुशल होंगे आप लोग। आज फिर हम गणित की क्लास लेके उपलब्ध हैं। देखिए, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो फ्रैक्शन चल रहा है। फ्रैक्शन में काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन में जो लैंग्वेज के सवाल बनते हैं वो अगली क्लास में हम लोग करेंगे। एक टॉपिक, एक लेक्चर और वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको वो करा देंगे। आइए, मैं विष्णुदेव सर एक बार फिर आप लोगों का यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पर स्वागत करता हूँ और आगे चलते हैं। देखिए, फ्रैक्शन में काफ़ी चीज़ें आप सीख चुके हैं। अब देखिए, फ्रैक्शन में एक सवाल ऐसा पूछा जाता है कि कई फ्रैक्शन दे देता है और आपसे पूछता है, भैया बताइए इसमें कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, उससे रिलेटेड देखते हैं उसी को आज आगे। जैसे देखिए भैया, आपसे सवाल पूछे 7/11, 5/9, 13/17, 19/23। अब देखिए, ये चार फ्रैक्शन दे दिया और आपसे ये पूछे कि भैया बताइए इसमें से कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, या आरोही क्रम अवरोही क्रम। देखिए, चार बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे आपसे पूछ ले सबसे छोटा भिन्न, छोटा भिन्न, सबसे छोटा। दूसरी बात, सबसे बड़ा। तीसरी बात, आरोही क्रम, आरोही क्रम। चौथी बात, अवरोही क्रम। ये चार बातें पूछी जा सकती हैं। तो अब देखिए, बचपन में हम ऐसा करते थे कि इनसे इनके हरों से अंश में भाग देके इसको दशमलव में बदलते थे। तो देखिए, जब दशमलव में बदलने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तरीके चार हैं, या तो आप दशमलव में बदलिए, या इनके अंश बराबर करिए, या हर बराबर करिए, या तिरेक मल्टीप्लाई करिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक नया तरीका ये देखिए, बाकी तरीके तो आप जानते हैं, एक नया तरीका देखिए। आप पहला काम ये करिए कि इनके अंश और हर का अंतर निकाल लीजिए। आप देखिए, जैसे ही हम अंश और हर का अंतर निकाले, हमें पता चला कि सभी भिन्नों के अंश व हर का अंतर समान है। जब अंश व हर का अंतर समान हो, तब करना कुछ नहीं है। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा होगा। देखिए, आसानी से हो गया। अदरवाइज आप दशमलव में बदलते, टाइम लगता। अब देखिए, इसमें सबसे छोटा जो होगा वो आपका 5/9 हो गया, सबसे बड़ा आपका 19/23 हो गया। आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा आपका है 5/9, उसके बाद आपका हो गया 7/11, 13/17, और लास्ट में आपका हो गया 19/23। आरोही क्रम लिखना हो तो 19/23, सॉरी ये 13/17 है, 13/17, इसके बाद 7/11 और 5/9। देखिए, आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इस सवाल में एक बात और ध्यान देना है, ये जितने भी फ्रैक्शन होंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन होने चाहिए, उचित भिन्न होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। एक तरीका है कि अंतर आप निकाल लीजिए, अंतर बराबर हूं तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि अंतर बराबर ना हो। जैसे देखिए, हम कह दें 7/13, 9/19, 11/16 और 15/29। अब देखिए, हमसे ये पूछा जाए कि भैया बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो हम ऐसा करेंगे, पहले अंतर निकालेंगे। ये देखिए, अंतर 6 आया और यहाँ पे अंतर 10 आया, और देखिए यहाँ पे जो हुआ अंतर 5 का हुआ और यहाँ पर अंतर 14 का हो गया। अब देखिए, अंतर बराबर तो है नहीं। अब अभी हम इसको देख कर ये नहीं बता सकते कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अब देखिए, जब अभी नहीं बता सकते तो एक काम और कर लीजिए।
एक काम ये करिए कि जो अंतर है उसी अंतर से इनके अंशों में भाग दीजिए। अंशों में भाग देने पर जो बड़ा आएगा वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा आएगा वो ही छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने कह दिया 7/6, 9/10 और यहाँ पे 11/5 और यहाँ 15/14, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें पता है इसका मान 1.1 आएगा, इसका मान 1 से कम आएगा, इसका मान 2 आ गया, इसका मान 1.1 आया। अब देखिए सीधी सी बात, अब सबसे छोटा लिखना हो, सबसे छोटा लिखना है तो आप देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 से छोटा इसका मान हो गया, तो इसी को हमने कह दिया ये सबसे छोटा है, इसका एक्चुअल मान 9/19 है, तो हमने कह दिया सबसे छोटा हो गया 9/19। और सबसे बड़े की बात किया, इसका मान 2 से अधिक हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। आप देखिए 11/16। इसके अलावा देखिए अब आरोही क्रम लिखना, देखिए ये आपका सबसे बड़ा तो ये हो गया पहला पोजीशन, उसके बाद सबसे छोटा ये हो गया, यानी कि ये चौथे नंबर पे होगा सबसे छोटा, और पहले नंबर पे हो गया। अब देखिए 7/6 से भाग देंगे 1.1 आएगा, जबकि यहां पे भाग देंगे 1.0 आएगा, यानी कि अब देखिए ये पहले पे हो गया तो ये मान हमारा दूसरे पे हो गया, और ये मान हमारा तीसरे पे हो गया, और ये आपका चौथे पे है ही। अब आपका आरोही क्रम, आरोही क्रम जो होगा वो आप देखिए सबसे छोटा हमारा कौन सा होगा, सबसे छोटा ये देख लीजिए आपका सबसे छोटा ये हुआ 9/19 लिख दिए, उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे ये होगा 15/29 हो गया, और तीसरे नंबर पे आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा ये, इसके बाद 7/13 हो गया, और लास्ट में आपका हो गया 11/16, ठीक है। आगे देखिए भैया आरोही क्रम जब लिखना होगा, आरोही क्रम तो आप कह देंगे 11/16, 7/13, 15/29 और 9/19 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, यानी कि ये दो तरीके अगर आप जानते रहिए तो एग्जाम में आप एक सवाल बड़े आसानी से कर सकते हैं, हर एग्जाम में इससे एक सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए जैसे 3/11, 12/19, 17/31, 15/43। अब देखिए यहां पर हमें निकालना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर वही काम करिए, यहां अंतर निकालिए, 8 हो गया, यहां अंतर 7 हो गया, यहां का अंतर आपका 17 है तो ये 14 हो गया, और यहां का जो अंतर हुआ तो ये देखिए यहां अंतर 28 का हो गया, ठीक है। अब आप देखिए ये आपका 3/8 हो गया, 12/7 हो गया, और यहां देखिए 17/14 हो गया, और ये 15/28 हो गया। अब आप देखो हमें यह पता है कि अगर यह पता करना हो कि सबसे बड़ा मान कौन सा होगा, तो देखिए 7 से भाग देंगे यह 1.77 यहां मान आएगा, जबकि यहां 1.2 आएगा, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू यह हो गई हमारी, सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि सबसे बड़ा जो मान हुआ वो 12/19 हो गया। चलिए उसके बाद देखिए ये दोनों मान 1 से थोड़े बड़े हैं, जबकि ये दोनों मान 1 से छोटे हैं। यहां देखिए इसमें जब भाग देंगे तो यहां पे 0.3834 आएगा, और 8/56 0.375, जबकि 15/28 से भाग देंगे तो देखिए पहली बार दशमलव लगाएंगे 150 आएगा, तो 150 आपका हो गया 25, 5 बार जाएगा ये 0.5 समथिंग आएगा, तो अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये वाला मान सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा मान जो हुआ 3/11
आरोही क्रम लिखना हो, आरोही, ये देखिए 3/11, इसके बाद में 3/11 के बाद ये वाला मान आएगा 15/43 करेंगे, 43। इसके बाद देखिए 15/43 हो गया, उसके बाद में ये आएगा 17/31 और लास्ट में आएगा 12/19। और वही क्रम लिखना हो तो आप इसी को पलट दीजिए, चलिए यही हम बताना चाह रहे थे यहां पे कि आप ये देख लीजिए अंतर निकाल के अंतर से भी भाग दे सकते हैं अंशों में। जब अंतर से भाग देंगे तो जो बड़ा आएगा उसे वह सबसे बड़ा हो जाएगा, जो छोटा आएगा वो छोटा हो जाएगा। अंतर से भाग देने पे ये हो जाता है कि दशमलव में मान थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है और देखने से ही ज़्यादातर पता चल जाता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। एक तरीका ये भी है जिससे आप निकालते हैं, बाकी तो आप जानते हैं, दशमलव में निकालिए या हर को बराबर कर लीजिए या अंश को बराबर कर लीजिए, आप आरोही और अवरोही क्रम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आज हम आपको दशमलव को भिन्न में बदलना बता देते हैं। दशमलव से एक सवाल रिकरिंग के पूछे जाते हैं, तो रिकरिंग को दशमलव जो रिकरिंग है उसको हम भिन्न में बदलना आपको सिखा दें। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए 1/2 है, तो इसे दशमलव में जब बदलना होगा तो 2 से 1 में भाग देना होगा। अब 1 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10 हो गया, 1 कट गया, यानी कि इसका मान 0.5 हुआ। जैसे 3/8 है, अब देखिए 3/8, 3 में 8 से भाग देंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 30 हो गया, तो 0.3 8 3 24 ऐसे हो गया। जैसे 4/5 है, तो इसे 0.8 लिख सकते हैं। यह रहा भिन्न से दशमलव में बदलना, बाकी लोग जानते हैं आप लोग, बस थोड़ा सा हमने हिंट किया। अब हम भिन्न से दशमलव में बदल लिए, अब दशमलव से भिन्न में बदलना हो, जैसे 0.34 हो, तो आपको पहला काम ये करना है, दशमलव के नीचे 1 लिखना है, उसके आगे जितनी संख्या है उसके लिए उतने 0 लिख देना है और इसको इसके ऊपर लिख देना है, ये 34/100 आपका आंसर हो गया। जैसे 0.375 को बदलना है, तो देखिए 0.1, आगे जितनी संख्या है उतने 0 लिख दिए, 375/100 हो गए, 1000 हो गए। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार जैसे 1/3 है, अगर इसको हम दशमलव में बदलें तो ये आएगा 0.3333 एंड सो ऑन, ये अनंत तक आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी बार को जब भिन्न में बदलना होता है तब देखिए कैसे करते हैं। जैसे देखिए 0.7 पर बार है, इसका मतलब ये हुआ 0.777 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो देखिए बदलने को तो हम डायरेक्ट बता देंगे, आप बदल लेंगे, लेकिन अगर इससे बचना है थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्टिव देख लीजिए किस तरीके से बदलते हैं। जैसे इसको अनंत तक लिखते हैं, अगर इसको हम ये मान लें कि ये यक्स बराबर 0.777 एंड सो ऑन है, ठीक है, अब ऐसा करते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, ये देखिए 10x = 7.777 एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10x = 7.777 एंड सो ऑन। अब आप एक बात देखिए, इस मान और इस मान में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है भैया। अगर समुद्र से आप एक लोटा पानी निकाल लें तो उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, वही बात इनके साथ लागू हुए, ये अनंत बार हैं, एक बार हमने निकाल लिया तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि इसकी जगह पे हम यक्ष लिख सकते हैं। देखिए अब इसकी जगह पे हम यक्ष लिख दिए तो ये 7+x हो गया, यक्ष इधर आएगा तो ये 9x हो गया, ये बराबर 7, यानी कि यक्ष बराबर 7/9। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.7 पे बार है इसे 7/9 हम लिख सकते हैं। बात क्लियर? चलिए कुछ और देखते हैं इसमें। अब देखिए जैसे 0.37 बार हो,
तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है भैया, जितने अंकों पे बार होगा उतने नाइन आप नीचे लिख लीजिए और उस संख्या को ऊपर, ये भिन्न में बदल जाएगा। जैसे हम लिख दें 10.357, तीनों अंकों पे बार लगा दिए तो इसका मतलब ये हो गया तीन अंक पे बार है तो 3 9 नीचे लिख दिए और ऊपर हमने लिख दिया 3 5 7। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिए, कभी मान लीजिए अंकों को छोड़ के बार लगाया जाए तब कैसे करेंगे। जैसे देखिए 10.374 है, हमने 74 पे बार लगा दिया, 3 को छोड़ दिया, तो पहला काम हम ये करेंगे भैया कि जितने अंकों पे बार होगा उतने नाइन लिखेंगे और जितने अंक पे बार नहीं होगा उसके लिए हम 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद टोटल संख्या को लिख देंगे जिस पे बार नहीं है उसे माइनस कर देंगे। ये जो आएगा ये आपका भिन्न में परिवर्तित हो गया, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे हम कहें 4 5 6, हमने 6 पे बार लगा दिया और 2 अंक छोड़ दिए। तो अब देखिए हमने आपको बताया कि जितने अंक पे बार हैं उतने नाइन लिख दीजिए, जितने अंक पे बार नहीं हैं उसके लिए उतना 0 बढ़ा दीजिए। उसके बाद में पूरी संख्या को आप लिख दीजिए और जितने अंक पे बार नहीं है उसे माइनस कर दीजिए। आप देखिए 6 से 5 गया 1 और 5 से 4 गया 1, 411/900। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 10.379, मान लीजिए हमने 7 पे बार लगा दिया। अब आपसे कह दें भैया बताइए इसे परिवर्तित करिए, तो अब देखिए कुछ लोग परिवर्तित कर देंगे। ऐसा एक बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कई बार कि कुछ लोग परिवर्तित कर देंगे, कहेंगे सर जितने अंक पे बार हैं उतने नाइन लिख दिए, जितने अंक पे बार नहीं उसके लिए 0 लिख दिए और टोटल संख्या लिख दिए और जिस पे बार नहीं है उसे घटा दिए, जबकि ये सरासर गलत होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इस तरीके से कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, कभी भी आप समझिए कभी भी दशमलव के बाद दाईं तरफ की संख्या को छोड़कर बाईं तरफ की संख्या पे बार नहीं लगाया जाता। यदि बार लगा हो तो लिखने का तरीका गलत होता है। ठीक है, दोबारा सुने, कभी भी दशमलव के बाद दाईं तरफ के अंक को छोड़कर बाईं तरफ के अंक पर बार नहीं लगाया जाता। यदि लगा हो तो वो लिखने का तरीका गलत होता है। बात समझ में आ गई? यानी कि कभी भी ऐसे दे दे जैसे यहां बार दे इसको छोड़ दे, इसका मतलब इसको परिवर्तित कर ही नहीं सकते और ये लिखने का तरीका गलत है। बात समझ में आ गई? चलिए ये इतनी बातें रही, तो देखिए थोड़ा सा दशमलव हमें बताना था। अब हुआ क्या, दशमलव और भिन्न के कुछ सिंप्लीफिकेशन के सवाल बनते हैं जो हम एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें दशमलव और भिन्न के सिंप्लीफिकेशन के सवाल करेंगे। एक लेक्चर भिन्न और पढ़ाएंगे आपको जिसमें लैंग्वेज के सवाल बनते हैं और उन लैंग्वेज के सवालों को कैसे किया जाएगा उसके विषय में एक लेक्चर और बना के आपका वीडियो मिल जाएगा। ये हो गई। अगली क्लास में एक विशेष टॉपिक पढ़ाना, तो वैसे मुझे वर्ग और वर्गमूल था लेकिन अगली टॉपिक में एक विशेष टॉपिक लेके आ रहे हैं, सर्ड्स एंड इंडिसेज। इंडिसेज यानी कि कर्णी और घातांक। तैयार रहिए, इंतजार करिए और इस तरीके से आपको कर्णी घातांक पढ़ाएंगे कि आज तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, भविष्य में जो आएंगे वो भी नहीं गलत होंगे। आप लोगों को कर्णी और घातांक से डर लगता है लेकिन आज के बाद डर नहीं लगेगा। अगली वीडियो में लेके आ रहे हैं कर्णी और घातांक। जो लोग आपके परिचित हैं अभी जिनको पता नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं उनको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे जितने भी वीडियो पढ़ेंगे वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और तैयार रहिए, आप अपने परिचितों को जरूर बताइए कि सर आपको
ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं और बहुत बहुत ही जल्द आपको लाइव क्लास पढ़ाने वाले। जैसे कुछ लोग कह रहे थे सर SICI का वीडियो डाल दीजिए, आप निश्चिंत रहिए SICI और टाइम एंड डिस्टेंस और परसेंटेज और नंबर सिस्टम हो आपको लाइव आके पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद आपको दोबारा मैथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।